देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न समानुपात पर आधारित हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 का संबंध 5 से है, समानुपात 21 का संबंध किससे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 दिया है, 5 दिया है, 21 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसे क्या करेंगे, इसे बराबर कर देते हैं, बराबर। फिर क्या करेंगे, 21, ठीक है, 21/? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे मान लीजिए x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, ठीक है। क्या हो जाएगा, 105, ठीक है दोस्तों, 105 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 105 में अगर 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है, 1.2 का संबंध 3.5 से है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क का संबंध 14 से है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए 1.2 दिया है, तो 1.2 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए संबंधी दिया है, इसे बटाम कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, 3.5 कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर ये जो समानुपात है, इसे बराबर कर लेते हैं, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फिर 14/14, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, देखिए तो क्या हो जाएगा, 3.5x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 1.2, ठीक है। तो हम इसे गुणा, अब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 14 × 1.2, ठीक है, 1.2/3.5 लिख देंगे, ठीक है, 3.5। और क्या करेंगे, दशमलव दशमलव से काट देंगे, ठीक है, दशमलव दशमलव से कट जाएगा। तो 14 में अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168, ठीक है, 168 आ जाएगा। अब 168/35 हो जाएगा, ठीक है। अगर 168 में हम 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4.8, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 4.5 संबंधी क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है, समानुपात 9 संबंधी 2.6, ठीक है, यानी कि 4.5 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है और 9 का संबंध 2.6 से है। तो इसे भी उसी स्टेप से सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, 4.5, ठीक है, बटा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे बराबर कर देंगे, ठीक है, बराबर कर देंगे। उसके बाद 9, ठीक है, 9/2.6, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे इसमें भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, ठीक है। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 9x हो जाएगा, ठीक है, 9x हो जाएगा। उसके बाद 2.6 × 4.5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.7, इसका गुणा करेंगे तो 11.7 आएगा, ठीक है, 9x बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर 11.7 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1.30, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चार देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, पहला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसे चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क का संबंध 9 से है, 1 का संबंध 4.5 से है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक्स मान लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे अपान 9 कर देंगे, ठीक है। और ये देखिए जो समानुपात है इसे बराबर कर लेंगे, ठीक है। और एक का संबंध किससे है, 4.5 से, तो 1/4.5 कर देंगे, ठीक है, 4.5 कर देंगे। तो अभी हम इस त्रिक गुणा करते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 4.5 यक्स, ठीक है, बराबर 9 × 1 आने की 9, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यक्स में यक्स बराबर 9/4.5, अगर हम 4.5 9 भाग देंगे तो कितने बैठ जाएगा, यक्स में यक्स बराबर आने की 2 बैठ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 1.5 का संबंध 2.3 से है, क्वेश्चन मार्क का संबंध 4.6 से है। देखिए दोस्तों जिस तरह पहले सॉल्व करते आए हैं सभी क्वेश्चन, उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 1.5, ठीक है, 2.3, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 4.6, ठीक है। अब इसका त्रिक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, त्रिक गुणा करेंगे, 2.3 यक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर 4.6 × 1.5, ठीक, 1.5 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, भाग देंगे, यक्स बराबर 4.6 × 1.5, ठीक है, अपान 2.3, ठीक है दोस्तों। देखिए एक ऊपर का दशमलव खत्म हो गया, एक नीचे का, ठीक है। तो हम अब ये क्या बचा, यक्स बराबर 46 × 1.5/23, ठीक है। तो अब हम 46 में 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69, ठीक है, 69 आ जाएगा, ठीक है। अब 69 में हम 23 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि 3, ठीक है, 3.0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।